देश भर में गणपति जी के दूध पीने की बात कभी सामने आई थी और लाखों लोगों ने देश भर में गणपति जी के मंदिरों में दूध पान कराया था उन्हें। ऐसे ही आज नंदीगढ़ के जलपान या दूध पान की ऐसी ही बात सामने आई और हजारों लाखों की संख्या में विभिन्न मंदिरों में पहुंचे हैं लोग और यहां पर कोई दूध पान करा रहा है, कोई जल पान करा रहा है। श्रद्धा अपनी अपनी है, किसी के हाथों से नंदी जल पान कर रहे हैं तो किसी के हाथों से जल पान नहीं भी कर रहे हैं। ऐसी ही बात कहां तक यह सत्य है, लेकिन श्रद्धा अपनी अपनी है कि कोई इसी श्रद्धा में नमन कर रहा है कि उनके हाथ से जल पान कर लिया है। किस तरह की कवायद हुई है देश भर में और क्या कहा भक्तों ने, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। देश और दुनिया में गणपति जी के दुग्ध पान की घटना ने अचंभित कर दिया सभी को, और कोई वैज्ञानिक पक्ष दे रहा था, कोई लौकिक पक्ष दे रहा था, कोई तार्किक पक्ष दे रहा था, कोई अफवाह मान रहा था, और कई साल बीत गए। आज फिर राजस्थान के कई जिलों में या देश के कई शहरों में ऐसी कवायद या घटनाक्रम देखने को मिला जहां पर शिव मंदिरों में पुनः नंदीगण के एवं शिव परिवार के जलपान व दुग्धपान की खबरें लोगों तक पहुंचती रही। मोबाइलों के जरिए, नेटवर्क सोशल मीडिया के जरिए या टीवी के जरिए, समाचारों के जरिए तेजी से यह खबरें फैली और फिर शुरू हुआ शिव मंदिरों में भक्तों का तांता, जो सुबह शुरू हुआ और दोपहर और रात तक जारी रहा। फिर क्या बाल अबाल, महिला वृद्ध पुरुष सभी पहुँचे शिव मंदिरों में जल लेकर, दुग्ध लेकर और पिलाने लगे दुग्ध और जल नंदीगण को, गणपति को, शिव को, पार्वती जी को, कार्तिकेय जी को, विभिन्न प्रतिमाओं को जल पिलाने का, दुग्ध पिलाने का दौर शुरू हुआ जो रात तक चला। कोई जल पिलाने से पूर्व हाथ जोड़ रहा था, कोई धोख दे रहा था कि हे प्रभु आप हमारा जल ग्रहण करें, दुग्ध ग्रहण करें, और जल पिलाने एवं दुग्ध पिलाने के बाद मन में प्रसन्नता भी किसी के हो रही थी और किसी के मन में यह दुख भी देखा गया कि उनका जल या दुग्ध भगवान ने स्वीकार नहीं किया। ये कवायदें देर रात तक जारी रही। कई लोगों के मन में कौतूहल था, कई लोगों के मन में विश्वास, कैसा रहा नजारा देखे। गजब, मान गया, मान गया। अरे ना, बंदेश्वरा। जब देश में गणपति जी ने दुग्ध पान किया तब भी चैनलों पर, टीवी पर या सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल भी आए, क्या भगवान वाकई में जल पीते हैं। वैज्ञानिकों ने माना यह गर्मी की ऋतु में ऐसी कवायद सहज रूप में होती है, तो कई धर्मावलंबियों ने या भक्तों ने यह भी माना कि ये श्रद्धा और विश्वास का विषय है। क्या सत्य है, क्या असत्य है, भक्तों से ही जाने। जिलों की नगरी उदयपुर में है और यहाँ पर शिव मंदिर में भक्तों का
भक्तों की लाइन लगी हुई है और वो बारी बारी से आ रहे हैं और कोई हाथ में जल ला रहा है तो कोई हाथ में दूध ला रहा है और हमारे साथ में यहाँ पर कुछ भक्त है, इन्हीं से जानेंगे। आप बताएं आपका क्या नाम है और क्या कहना है आपका? महिमा नाम है जी। पास में यही रहते हैं, एकदम हमें फोन आया खेलवा से कि यहाँ पे एकदम नंदी देव पानी पी रहे, जल पी रहे, तो हम भी देखने आए और सच में अभी देखा तो सच में पी रहे थे, हमने भी पिला के देखा। काफी लोग आ रहे हैं और चल रहा है। आप बताओ आप क्या कहना चाहते हो? मांगी भाई मुझे तो यात्रा की दर्शन करने जा रही धाम भी। ये भगवान ने मेरे हाथ से जल दिया है। आप बताओ आप मेरा नाम सुशीला है। मैं भी किसी ने बोला कि भाई यहाँ पे ये जो जल पिला रहे नंदी जल पी रहे हैं, तो नंदी जी ने जल पिया। ये भगवान का चमत्कार है। आपका क्या नाम है? मनीषा सारथी मेरा नाम है। हमें भी किसी का फोन आया, इन्फॉर्मेशन आई कि नंदी जी पानी नहीं पी रहे हैं तो हम भी देखने आ गए, तो ये सही है यहाँ हो रहा है, तो नंदी जी पानी पी रहे हैं और हम दर्शन कर रहे हैं। नाम है विनीता परिवार, मैं रावजी के हाथे पासवानपुर गली में रहती हूँ, जहाँ पे हमारे घर के पास में महादेव जी का मंदिर है। यहाँ पे कब से भीड़ पड़ती थी तो मुझे मेरे परिवार वालों से सूचना मिली कि यहाँ पे पार्वती जी शिव जी और नंदी भगवान सब पानी पी रहे, तो हम भी पिलाने आए हैं और वाकई में पी रहे हैं। आप बताओ चलूंगा परिवार। मैं अभी कोर्ट से आया, मैंने देखा लाइन लगी हुई है और भगवान पानी पी जाए हैं, तो मैंने भी कोशिश की, भगवान पानी पिया है। एडवोकेट है आप जी? अच्छा अच्छा, हम भी देखने आए। हाँ मैं यज्ञवा परिवार हूँ, मुझे भी यहाँ पे भीड़ देख के लगा कि क्या हो रहा है, तो मैं देखने आई, देख के यहाँ पे लगा कि पानी पी रहे हैं, मैंने भी पिलाया तो भगवान ने पानी पी लिया। कहाँ से खबर मिली तुम्हारे? मैं कनिष्का शिवानी, यहाँ पे भीड़ देखी तो मैंने पूछा अंकल से कि यहाँ पे क्या हो रहा है, उन्होंने कहा कि ना यहाँ पे बोले जी अरे फोन नंबर फोन करते करे बुला रहे, तो मैं भी आई हूँ यहाँ पे पानी। हाँ हम तो भी पता पड़ा है, सामने वाले पिला रहे थे इसलिए हम भी पानी पिलाने आए शंकर भगवान को। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है। अच्छा क्या कहना है आपका, आपने कहाँ सुना? हमने बच्चों ने बोला, हमने सुना, हमने पहले मोबाइल पे सुना, उसके बाद देखा कि नहीं हमने सच्चे में पी लिया, फिर हमने खाना छोड़ के चले आए देखने के दर्शन करने, आनंद ले लिया। आनंद ले लिया है। पार्वती जय श्री शंकर। क्या नाम है आपका? शिल्पा पालीवाल। हाँ हमने देखा, हम बाजार से आए थे कि भगवान पानी पी रहे, तो हमने भी आके श्री पार्वती और नंदी भगवान को पानी पिलाया, तो ये बात सच है। आपने पिलाया तो पिया उन्होंने? हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा, भगवान पानी पी रहा है तो मैं भी पानी पिला जोशी। मेरे को अभी पता चला कि यहाँ पे भगवान को पानी पिला रहे, तो हम सब मैं दिव्यांशी जोशी हूँ। मुझे पता चला मेरी फ्रेंड से कि यहाँ पानी पी जा रहे महादेव जी, तो मैं खुद भी यहाँ पे आई। बात करूँ। क्या नाम है आपका? जी मंजू कोटिया। हाँ क्या कहना है? मेरा कहना है कि आज है ना, हमने भी यूट्यूब पे एक किसी का मैसेज देखा कि नंदी भगवान मंदिर में पानी पी रहे हैं, तो हम भी वहाँ पे कटोरी चम्मच लेके जैसे वैसे सारी फैमिली के साथ पहुँचे और देखा तो पानी पिला है, तो मतलब एक बूंद भी नीचे नहीं गिर रहा, जितना हम पानी पिला है उतना कंटिन्यू पी रहे हैं, और उसके बाद से तो 2-3 घंटों से कंटिन्यू चल रहा है कि मतलब जितने भी भक्तगण आ रहे हैं उनको पिला रहे, नंदी भगवान पानी पी रहे, एक बूंद भी नीचे नहीं आ रहा। अच्छा आप चमत्कार ही है। आप बताओ। मेरा वंशिका सारमुच। अच्छा क्या कहाँ से सूचना मिली आपको? मुझे ये पास में यहाँ पर बच्चे घूमने थे, उन्होंने बोला था कि यहाँ पर नंदी जी को पानी पी रहे, तो मैं यहाँ पर आई हूँ। अच्छा चमत्कार ही है यहाँ पर नंदी जी पानी पी रहे। हाँ हाँ हाँ।
तरह का नजारा हो गया था? जय श्री कृष्णा, यहाँ पर अभी बहुत अच्छा देखने लायक माहौल था। एक आए दो आए यूं करके, जो मंदिर कभी कोई नहीं आ रहा था ना, वो लोग भी सारे मंदिर पर आए कि नंदी महाराज पानी पी रहे, कोई कटोरी चम्मच पानी ले लेकर आए और सबको पिलाया है। और अभी बहुत ही अच्छा आनंदित माहौल था यहाँ का। और मेरे बेटे ने इसका वीडियो भी बनाया था, मैं अभी आपको भेजती हूँ। मेरे इंदौर से मिली, मेरे को इंदौर से सूचना मिली, मेरी बेटी शादी कर रखी है वहाँ पे, तो उसके ससुराल जी बोला कि जाओ शिव जी नंदिया को पानी पिलाओ। तो वो गए, मतलब मेरे को आके एक मम्मी पानी पिलाओ, दूसरे दो लड़के बैठी थी तो वो पिला रही थी, पर वो पीने थोड़ा ढूंढ रहा था। तो मेरे भी हाथ जोड़ के मैंने कहा ये बिना पानी मेरे हाथ से जो चम्मच रखा ऐसे थोड़ी देर रखा, फिर वो थोड़ा पिया, फिर बाद में जैसा पानी खींचा तो ये दो लड़के खड़े थे कटी गया विशाल गए, वो दोनों जने ने देखो और हाँ पिया, फिर हल्ला हो गया, फिर सब जने पिलाने लग गए। अच्छा। ये सूचना मेरे को इंदौर से मिली। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा चंद्र देवी राजपूत राठौर। अच्छा, ये कौन सा मंदिर है? मनोकामना शिव मंदिर और कई गाणोराव की घाटी। आप बताओ आपका क्या नाम है? माया। अच्छा, किस लिए आए यहाँ पे? अच्छा, तो आप भी दूध पिलाने के लिए आए? उधर से तो फोन आया तो आप भी पिलाओ, तो मैं भी पिलाने यहाँ पे। अच्छा अच्छा, हाँ पी लिया, दूध भी पी लिया और ये जल पी लिया, दो चम्मच पूरे पिए। अच्छा, हाँ जल भी पी लिया। क्या नाम है आपका? मेरा बागन किशोरी। अच्छा, और क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे नंदी को दूध पिला रहे हैं, देखो आप भोग लगा रहे हैं नंदी महाराज को। सबसे वाला मैं आके देखा था, दूध पिला रहे हैं नंदी। अच्छा अच्छा, आप बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हो रहा है, सब जन कह रहे हैं कि नंदी पानी पी रहा है पिलाओ। हाँ। पानी पिला, उसको दूध पिला रहा है, पानी पिला रहा है। हाँ। मैं भी पिलाने आई हूँ यहाँ देखने। क्या पिलाना है? मैं जल पिलाने आई हूँ नंदी। अच्छा अच्छा, आप बताओ बा साहब आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जब क्या पानी पिला रहे हैं, आपने क्या सुना? पिला रहे हैं दूध। अच्छा, पहले भी नंदी जी ने गणेश जी ने दूध पिया था, आज हमने सुबह फेसबुक पे देखा कि हमारे पास उदयपुर के बाद से जो समाचार आए थे, जब हमने करीब 7 बजे के आसपास हमने सर महादेव अग्रेश्वर नगर में आके देखा तो नंदी जी दूध पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं। धन्यवाद। नंदी महाराज दूध पी रहे हैं तो हम आए वहाँ से, मेरी चौपाचा है, मेरा नाम निकिता है। और क्या किया आपने? हमने भी आके देखा तो ये बच्चे पिला रहे थे, तो हमने सोचा क्या पता पी रहे ही पी रहे, तो हमने भी ट्राई किया। हाँ। पर नंदी महाराज पी रहे, नंदी महाराज के साथ साथ कछुए महाराज भी पी रहे और इधर दो भगवान भी पी रहे, पार्वती जी। हाँ, आप बताओ क्या कहना? हमने भी कॉल आया, हमको भी हमने भी सुना, तो हमने भी आगे देखा और दूध पिलाया तो पी रहे थे। ये तो वो थोड़ा अपन सही नहीं करता, थोड़ा वैसे धुल जाता है, बाकी आप देखो आप खुद पिला के देख लो। हल्का सा देख लो, कहीं भी अभी तो पानी वो थोड़ा सा गिरेगा बाकी जाएगा, देखना बस। अब एक ही बार में इतना पानी नीचे गिरा तो है ही नहीं। आप बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हो रहा है, सब जने कह रहे थे नंदी पानी पी रहा है पिलाओ। हाँ। पानी पिलाओ, उसको दूध पिला रहा है, पानी पिला रहा है। हाँ। मैं भी पिलाने आई हूँ यहाँ देखने। क्या पिलाना है? मैं जल पिलाने आई हूँ नंदी। अच्छा अच्छा, आप बताओ बा साहब आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जब क्या पानी पिला रहे हैं, आपने क्या सुना? दूध पिला रहे हैं दूध। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशीला है। अच्छा, क्या
क्या कहाँ से सूचना मिली आपको? केलवा से। अच्छा, केलवा से फोन आया कि भाई नंदी महाराज पानी पी रहे हैं, जो आप भी पिला के आओ। अच्छा, इसीलिए मैं अभी यहाँ पानी पिलाने के लिए आई हूँ। अच्छा, हाँ और पानी पिया। क्या नाम है आपका? सुशीला। मैंने भी सुना भाई नंदी पानी पी रहा है, बच्चे ने आपका पिला के आए हैं। हाँ, मैंने भी यहाँ पिलाया पानी। हाँ, ये चम्मच वहाँ रखा मुँह के आगे नंदी के, धीरे धीरे देखो ये पानी हो गया। तुम्हारा? मेरा वंशी का सारे मुझे। अच्छा, क्या कहाँ से सूचना मिली आपको? मुझे ये पास में यहाँ पर बच्चे घूम रहे थे, उन्होंने बोला था कि यहाँ पर नंदी जी को पानी पी रहे, तो मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ। अच्छा, चमत्कार ही है यहाँ पर नंदी जी पानी पी रहे। हाँ हाँ हाँ,